नमस्कार। एमपी न्यूज नेटवर्क के इस विशेष बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं खंडवा लोकसभा से कांग्रेस प्रत्याशी अरुण यादव जी से, जो कि पूर्व मंत्री रह चुके हैं और पिछला संसदीय कार्यकाल आपने इनका देखा भी है। इन्हीं से जानेंगे कि आज इनके विजन क्या है, क्योंकि आज ही इन्होंने जो है एक पुस्तिका का विमोचन किया है जिसमें कि खंडवा लोकसभा को लेकर के अपना विजन बताया। आपका विजन क्या है खंडवा लोकसभा को लेकर? अरुण जी, आप सब जानते हैं कि ये हमारा इलाका पिछले 20-25 सालों से विकास की राह देख रहा है और मैं कह सकता हूं कि यहाँ पर 15 साल तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही, पंच से लगा के राष्ट्रपति उनके रहे, लेकिन दुर्भाग्य से जो विकास क्षेत्र का होना चाहिए तो नहीं हुआ है। हमने लक्ष्य लिया है अगले 5 साल का और एक सभी अनेकों लोगों से जब चर्चा हुई, शहर के प्रबुद्ध लोगों से हम मिले, एसोसिएशन से मिले हम लोग, यूथ से मैं मिला, वुमेन एंटरप्रेन्योर से मैं मिला, कई लोगों से जब चर्चा करके जो एक उसका जो क्रक्स निकला, वो एक किताब हमने छोटी सी आपने देखी होगी, लक्ष्य उसका नाम हमने दिया है और विजन हमारा 5 साल का क्या होगा उस पर हमने चर्चा की है। हर असेंबली का और हर मेट्रो शहर का अलग अलग उसमें जो लोगों से चर्चा में आया वो उसमें हमने लिखा है। उदाहरण के तौर पर अगर मैं शहर की बात करूं तो ये शहर हमारा डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है और हर आदमी का कहना है, व्यक्ति कहना है कि यहाँ पर ट्रैफिक का मैनेजमेंट बहुत पुअर है, तो यहाँ पर बायपास या रिंग रोड बनना चाहिए। और ये अगर आपको याद होगा कि मैं जब एमपी बना था उस समय भी हमने इस मांग को उठाया था, लेकिन दुर्भाग्य चूंकि हम स्टेट में नहीं थे, क्योंकि 99% चीज़ें तो स्टेट गवर्नमेंट से होती हैं, तो हमको उतनी सफलता नहीं मिली। अब चूंकि हम सरकार में प्रदेश में हैं तो हमारा काम करने का थोड़ा सा स्पीड दुगनी हो जाएगी, मैं ऐसा समझता हूँ। रिंग रोड यहाँ बनना है, इतनी बड़ी नर्मदा पेयजल की स्कीम हमने सेंक्शन कराई थी, तत्कालीन उस समय मंत्री कमलनाथ जी होते थे, तो 80 करोड़ एक बार सेंक्शन हुआ, फिर 40 करोड़ फिर सेंक्शन कराए, लगभग 125 करोड़ की स्कीम बनाई। लेकिन आज देखिए, स्कीम आज इतनी बड़ी स्कीम लाने के बाद भी आज हमारा शहर प्यासा है, पानी नहीं मिल रहा लोगों को और दूसरे दिन पाइपलाइन फूट, तो बड़ा भारी भ्रष्टाचार इसमें उस समय के रिजीम के लोगों ने किया होगा। यहाँ काम नहीं है, बेरोजगार है लोग हमारे, तो ये कोशिश की जा रही है कि क्योंकि यहाँ पर एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री, छोटी छोटी कॉटेज इंडस्ट्री लगाई जा सकती है, तो कोशिश कर रहे हैं कि जो हमारा यूथ है जो कृषि और इंडस्ट्री को लिंक किया जाए, तो या फूड प्रोसेसिंग का कोई यूनिट कोई लगाना चाहे तो लगाए, तो उसमें स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से जो सब्सिडीज हो वो मिले यूथ को, तो उसको लेकर हम लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं। और इंडस्ट्रीज क्या आ सकती है यहाँ पर, कॉटन की स्पिनिंग की, क्योंकि हमारा रॉ मटेरियल यहाँ पर कॉटन है, उसको लेकर भी एक विचार लोगों से चर्चा में आया है, तो अब देखते हैं कैसे इसको हम लोग आगे लेकर जाएंगे। जी, मैंने जो आपका विजन देखा है, विजन में 8 विधानसभा लगभग आपने कवर की है, शिक्षा को लेकर के बात की है आपने, एजुकेशन को लेकर की है, इसके बाद खेल को लेकर की है, मैं समझता हूँ कोई मुद्दा छूटा नहीं है। तो ये विजन जो है आपका और खासतौर पर उसका आपने लक्ष्य नाम दिया, तो वचन पत्र और इसमें क्या भिन्नता है? देखिए, एक तो 3 अलग चीजें हैं, एक तो घोषणा होती है जो जुमलों में तब्दील हो जाती है, घोषणा की जाती है 2014 में जो घोषणा की और बड़े बड़े सपने देश की जनता को दिखाए गए वो फिर जुमलों में तब्दील हो गए। तो अगर आप देखेंगे तो विधानसभा चुनाव के पहले भी हमने घोषणा पत्र नहीं बनाया था, हमने एक वचन बनाया था, एक वचन पत्र था जो माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में सरकार बनी है। और आप देखेंगे कि 90 दिनों में 83 वचन जो हमने लिखे थे वो पूर्ण किए हमने सरकार ने। तो और ये लक्ष्य जो है, ये हमने ये नहीं कहा कि हम घोषणा कर रहे ये कर देंगे, एक लक्ष्य है हमारा, ये टारगेट है, लक्ष्य मीन्स टारगेट, ये टारगेट है, इसको 5 साल में ये काम हमको हमारे इलाके के लिए करना है, तो कोशिश पूर्ण कोशिश करेंगे कि अब हमारे पास कोई जादू की थड़ी तो है नहीं कि हम एक दिन में सारा काम हो जाएगा, हर चीज़ का एक प्रोसेस है, एक समय है, सीमा है, लेकिन पूरी पुरजोर कोशिश होगी कि जो हमने कहा है सो उसको पूर्ण करने का हम प्रयास करेंगे। एक चीज़ और चल रही है, जो मैं जहाँ आपके साथ गया हूँ कुछ जगह मैंने आपके भाषण भी सुने हैं, 30 साल बनाम 5 साल, ये क्या है ये समझाइए। मुझे 5 साल मिले, आप भी जानते हैं, आप सिलदा चले जाएं,
इंडिया के पास एनटीपीसी का 15,000 करोड़ का बिजली का कारखाना लग रहा है। आप खंडवा आ जाएं, मेडिकल कॉलेज, आप हमारे बच्चों को बाहर जाने की जरूरत नहीं, यहाँ पढ़ेंगे। आप बूंदी चले जाएं, सिंगा जी पावर प्लांट, जहाँ पर मैं समझता हूँ 1,000-2,000 लोग प्रत्यक्ष रूप से काम कर रहे होंगे। नेपा मिल जो मरणो स्थिति में थी और कोशिश ये की जा रही थी कि उसको बेच दिया जाए। आपको पता है कोड़ी के भाव में कुछ लोगों को, विशेष लोगों को बेचने का प्रयास किया जा रहा था। हम आए, मैंने 1200 करोड़ रुपया उस मिल का रिवाइवल के लिए दिया। और आप बिलीव नहीं करेंगे, पिछले 5 सालों में जब मैं 14 से 18 तक मैं MP नहीं था, उस रिजीम में जो 1200 करोड़ आए उसको मिट्टी में डालने का काम किया गया। और अभी तक मिल खड़ी नहीं हो पाई, वापस रिनोवेट नहीं हो पाई है। पता नहीं, अब मुझे नहीं लगता कि उसमें आगे कुछ उसका भविष्य होगा, क्योंकि जो पैसा दिया तो भी लैप्स होते जा रहा है, आगे काम प्रोसेस ही नहीं हुआ उसमें, किसी ने उस पर ध्यान ही नहीं दिया। हमारे सांसद जी उसके बिल्कुल बेपरवाह रहे। आप चले जाइए बरहानपुर, ताप्ती मिल को सब जानते हैं, उसको रिवाइव किया, 50,000 नए स्पेंडर लगाए, आज वहाँ लगभग 1,000 से ज़्यादा लोग वहाँ काम करते हैं। सेंट्रल स्कूल खंडवा बरहानपुर में नहीं था, पढ़ाई नहीं कर पाए थे बच्चे, उसको हमने किया। मॉडल स्कूल, सेंट्रल स्कूल, ऐसे अनेकों अनेक जो काम हम कर सकते थे वो हमने करने का काम 5 साल में किया। मेरे 5 साल, उनको 30 साल, 5 बार उनको मौका मिला, 1-2 बार नहीं, 5 बार। 5 बार सांसद बनना छोटी मोटी बात नहीं होती है, तो हिसाब आपके सामने है। जी बिल्कुल, यहाँ मैं चूंकि इस खंडवा लोकसभा की बात करें तो जब आमतौर पर देखा जाता है कि चुनाव जब सामने होते हैं तो अपने विकास कार्यों को के बूते वोट मांगा जाता है, लेकिन इस टाइप से कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। यहाँ विकास की बजाय आरोप प्रत्यारोप का दौर ज्यादा दिख रहा है। मैं तो कहीं नहीं, मैं तो उनसे कहता हूँ कि सारा श्रेय आपको दे रहे हैं, हम जो कुछ हुआ है वो आपका, हम तो फिर काम करेंगे और जनता को तय करने दीजिए। अल्टीमेटली जनता ही तय करेगी ना कौन उनका अगला प्रतिनिधि करेगा, तो जनता जनार्दन है, जनता का जो जनादेश मिलेगा उसको हम सिरमौर रखेंगे। जी, बात इंडस्ट्री की हो रही थी, बुरहानपुर चूंकि पावरलूम का हब माना जाता है, पावरलूम के बारे में जो उनके बुनकर जुड़े हुए हैं उनके लिए क्या करेंगे आप? आपको शायद जानकारी में खर्च नहीं होगा कि 2010-11 में कपड़ा मंत्री हमारे आनंद शर्मा जी हुआ करते थे, उनके साथ मिलकर हमने एक टेक्सटाइल पार्क वहां स्थापित करने की योजना बनाई थी। कॉन्सेप्ट सीधा सा था कि जितने हमारे बुनकर साथी हैं उनको एक जगह स्थापित किया जाए, बिजली, पानी, सड़क, अलाइट फैसिलिटीज, डाइंग, और भी चीजें जो उसके संबंधित हैं उसको वहां पर लगाएंगे हम लोग। प्रोसेस शुरू हुआ, फिर स्टेट गवर्नमेंट में हम लोग नहीं थे तो सरकार से जो उसमें व्यवस्था होनी थी वो नहीं हो पाई, तो फिर हम लोग सरकार से हट गए तो बंद हो गया है। इचलकरंजी एक जगह है महाराष्ट्र में जहाँ पर टेक्सटाइल का एक बड़ा पार्क लगाया और वहां पर भी बुनकर साथियों को एक जगह स्थापित करने का काम किया गया। वही कॉन्सेप्ट को हम यहाँ पर लाना चाहते थे। अगर आप बरहानपुर जाएंगे तो अभी 5-6 प्राइवेट ओनर्स ने भी स्पिनिंग वहाँ पर लगाई है जिससे रोजगार वहाँ पर मुहैया लोगों को कराया जा रहा है। तो कॉन्सेप्ट स्पष्ट था कि सबको एक जगह स्थापित करना है, तो कोशिश कर रहे हैं। और फिर उनकी बिजली के इशू है, महंगी बिजली मिल रही है, दिग्विजय सिंह जी के टेन्योर में सस्ती बिजली बुनकर साथियों को हम उपलब्ध कराते थे तो उसको वापस रिन्यू करेंगे। बुनकरों के अलावा जब एक अपन नेपा मिल की बात की, नेपा मिल के जो कर्मचारियों को VRS दे दिया गया था, जबरदस्ती हटा दिया गया था, आज स्थिति यह है कि वो लोग विस्थापन की रबाट जो रहे हैं क्योंकि उनके परिवार जो है भुखमरी की स्थिति में आ गए हैं, उनके लिए क्या करेंगे? बिल्कुल ठीक बोला आपने कि भाई जब उसको किसी का माइंडसेट ये बनी जा गया था कि उसको बेच ही डालें, वो मिल जो पंडित जवाहरलाल नेहरू में, आप देखिए कितना बड़ा विजन उस जमाने में 60s में होता था उनका, कि एक कागज बनाने कारखाना नेपा में स्थापित किया गया। और ये सोच कि यहाँ पर नेपा मीन्स उस वहाँ पर कागज फैक्ट्री का कुछ था नहीं पहले, तो वहाँ उसको लगाकर वहाँ पावर एम्प्लॉयमेंट जनरेट किया उस जमाने में जी। फिर बीच में उसको बंद करने की कोशिश की गई, अब वहाँ काम ही नहीं है, लोग VRS लेने को कोशिश कर रहे हैं और वहाँ से पलायन हो रहा लोगों का, लोग वहाँ पर अपना VRS लेके अपना जो कुछ भी सरकार से मिलता है वो लेकर अपने अपने गांव की तरफ या अपने देश की तरफ जा रहे हैं जहाँ से वो आए थे।
तो अभी बड़ी गंभीर स्थिति में है नेपाल हमारा। अब उसको लेकर तो कुछ नया कॉन्सेप्ट तैयार करना पड़ेगा, हम लोग सोच रहे हैं। पहले तो अब हम तो कोशिश करें मिल शुरू हो जाए, ताकि जितना पैसा हमने दिया उसको मिल को और सत्योग हो जाए, वापस शुरू हो जाए, तो कुछ धीरे से कुछ चीजें और वहां पर गिरब हो। नेपानगर में चूंकि पूरा वन क्षेत्र बहुत सघन वन क्षेत्र है और यहाँ आदिवासियों की समस्या हमेशा जो है इस बेल्ट से सामने आती रही है, इन आदिवासियों के लिए क्या प्लान है किसानों के और आदिवासियों के लिए? देखिए आप तो जानते हैं कि 4 कॉन्स्टिट्यूएंट ट्राइबल बेल्ट हमारी है, वहाँ पर मूलतः जो समस्या है वो जमीन की है और पट्टों की है, वनाधिकार पट्टे की। तो जो पट्टे नहीं मिल पाए लोगों को, जो प्रोसेस में या अंडर प्रोसेस हैं और जिस पे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट उन लोगों ने ध्यान नहीं दिया होगा पिछले सालों में, तो जो बच गए हैं, जो विस्थापित नहीं हो पाए हैं हमारे आदिवासी किसान, उनको विस्थापित करना है। कुछ जगह बिजली की समस्या है, उसको ठीक करना है। रोड कनेक्टिविटी ठीक से नहीं है, वो एक देखने वाली बात उसमें है। और हमारा वहाँ का किसान पूरे लोकसभा क्षेत्र का जो सबसे इम्पोर्टेंट इशू जो जिसको आपने टेकअप नहीं किया ना, आपने उससे सवाल मुझसे पूछा, वो है सिंचाई का। अगर आप खरगोन जाएंगे तो खरगोन मेरा नहीं, खरगोन मेरे पिताजी का है और उन्होंने उस इलाके को विकसित करने में अपनी पूरा जीवन उसमें लगा दिया और हर किसान के खेत पर पानी पहुंचे, उनका लक्ष्य था खरगोन के लिए। हमारा लक्ष्य है कि खंडवा लोकसभा क्षेत्र में जहाँ पानी नहीं पहुँचा वहाँ पानी पहुँचाना है। लिफ्ट इरीगेशन की स्कीम चल रही है, आप देख रहे हैं 6 गांव माखन में पुनासा लिफ्ट इरीगेशन में काम चल रहा है, नहरे का जाल बिछ रहा है, आप देख रहे हैं। जहाँ जहाँ भी छोटे बड़े, आप खरगोन जाएंगे तो 2000 तालाब छोटे बड़े आप गिन सकते हैं जाके पूरे ज़िले में। कोशिश करें वाटर कंजर्वेशन कैसे करें, छोटे बड़े स्टॉप डैम, तालाब, बड़ा तालाब, छोटा तालाब वो बनाएंगे। मां नर्मदा का पानी जहाँ इलाके में नहीं पहुँचा उसको पहुँचाने की कार्य योजना है। और अभी मैं जहाँ जा रहा हूँ मेन इशू सिर्फ पानी का है, क्योंकि हम चाहते हैं किसान के खेत पर पानी पहुंचा तो विकास की गति अपने आप स्पीड अप हो जाएगी। इकोनॉमी कहाँ से चलती है? इकोनॉमी रूल्स गांव से चलती है। गांव विकसित होगा तो शहर अपने आप विकसित होने लगेगा और उसका सबसे बड़ा उदाहरण खरगोन है, आप जाकर देख सकते हैं। तो उस पर काम तेजी से हम लोग कर रहे हैं। किसानों की बात हो चुकी है लेकिन आपने बीच में मां नर्मदा की बात की, तो चूंकि ओंकारेश्वर भी जो है मानधाता आपके अपने ही इसमें क्षेत्र में आता है, मानधाता का एक समस्या लंबे समय से चला आ रहा है जो कि मां नर्मदा में जो है सीवरेज का पानी मिलना, तो उसके सीवरेज ट्रीटमेंट का प्लान को लेकर के कई बार पैसा इशू हुआ, सिंहस्थ में काफ़ी बड़ी रकम जो है इशू हुई, बावजूद इसके जो है वहाँ पानी मिलता है और भक्तों की भावनाएँ आहत होती है, क्या इस मुद्दे पर आप क्या करेंगे? बहुत ही इम्पोर्टेंट और पूरा मां नर्मदा को दूषित हो रही है। कोशिशें की नहीं कि मैं उसके बारे में भी डिटेल नहीं आपको बता पाऊंगा, मैं पिछले सालों की बात कर रहा हूं, लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट और टॉप प्रायोरिटी का इशू है। इस पर ज़रूर हम लोग काम करेंगे, अभी बोलना उचित नहीं होगा लेकिन ये बिल्कुल माइंडसेट में है हमारे कि मां नर्मदा को स्वच्छ रखना है और पूरा उस इलाके की पूरी गंदगी उस पानी में जा रही है और वहीं पर हमारा आस्था को भी ठेस पहुंच रही लोगों के, तो उसको ज़रूर उस पर हम लोग काम करेंगे। चलते चलते एक सवाल जो कि यातायात से जुड़ा हुआ है, बाईपास की बात हो चुकी है लेकिन जो इंदौर इच्छापुर स्टेट हाईवे है इसको 4 लेन में कन्वर्शन को लेकर के लंबे समय से बात की जा रही है लेकिन नहीं हो पा रहा है, वहीं दूसरा जो मामला है ब्रॉडगेज कन्वर्शन का, मीटर गेज की काम जो चल रहा है खंडवा इंदौर लाइन का वो भी बड़ी सुस्त गति से चल रहा है, आप आते हैं सत्ता में तो आप क्या करेंगे? दोनों प्रायोरिटी है। 2010-11 में मुझे एग्जैक्ट डेट याद नहीं आ रही कि इसकी डीपीआर हमने बनवाई थी, उस समय भी कमलनाथ जी ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर होते थे, उनसे आग्रह करके कहा कि ये रोड बहुत इंपॉर्टेंट है और ये लाइफलाइन है हमारे इलाके की, लाइफलाइन है हमारी, अगर आपको अभी अगर इंदौर जाना चाहे तो 5 घंटे में पहुंचेंगे। तो वो बिल्कुल टॉप प्रायोरिटी का इच्छापुर का मार्ग है हमारा और आए दिन वहाँ पर दुर्घटनाएं हो रही हैं, हज़ारों लोगों की मौत उसमें हो जाए एक्सीडेंट में हो चुकी है। वो टॉप प्रायोरिटी पर है, वन ऑफ द टॉप मोस्ट प्रायोरिटी पर इच्छापुर मार्ग हमारा है। दूसरा जो ब्रॉडगेज का इशू है यहाँ से इंदौर का, इंदौर से रतलाम वाला, उसमें ज़्यादा रोल सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है, रेलवे मिनिस्टर का होता है। अब बीच में जब हम लोगों ने चिट्ठी पत्री और सब किया था, इंदौर भूसा ये खंडवा भूसावल नहीं हो पा रहा था कुछ उसमें इशूज़ थे टेक्निकल,
तो वो भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि वो भी हमारी लाइफ लाइन है। हमको अगर इंदौर जाना है तो एक अच्छा कनेक्शन मिलता है, हमको 3 घंटे पहुंच सकते हैं हम लोग बाय ट्रेन, तो उसको भी ज़रूर हम लोग करेंगे, उस पर काम करेंगे। तो हमने चर्चा की खंडवा लोकसभा के प्रत्याशी अरुण यादव जी से, जिनका विजन बिल्कुल साफ है। वे कहते हैं कि हम लोग जो है वादा नहीं करते, जुमलेबाजी नहीं करते, हमने एक लक्ष्य निर्धारित किया है और इस लक्ष्य को पूरा करेंगे। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ। थैंक यू।